मैं तारा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल खाना पीना डॉट कॉम पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेवई कस्टर्ड खीर जो कि बहुत ही पौष्टिक है। आज हम इसे सभी ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स के साथ इसे बना के तैयार करेंगे जो सभी बच्चों को, आपके गेस्ट को और आपको भी बहुत पसंद आएगी। बच्चे तो इसे आपसे मांग मांग के खाएंगे। एक बहुत ही लाजवाब डेजर्ट है जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस डेजर्ट की रेसिपी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। सेवई की खीर बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो इस प्रकार से हैं। सेवई हाफ कप और हाफ ही कप मैंने चीनी ली है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं और हाफ लीटर दूध है और इसी में से हम थोड़ा दूध बचा लेंगे, साइड में रख लेंगे। और कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ा देंगे, आप किसी भी बर्तन में इसे बना सकते हैं। इसमें हम डालेंगे घी, घी हमें बहुत थोड़ा ही डालना है, मैंने 2 छोटी चम्मच के करीब डाला है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के इसे रोस्ट करेंगे, हल्का सा रोस्ट इसे करना है। फिर इसी में हमें सेवई ऐड कर देनी है, दोनों को साथ ही में हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जब ये सुनहरे से भून जाएंगे, अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, इनका कलर देखिए चेंज हो गया है। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। अब दूध को थोड़ा बॉयल पे आने देते हैं। जब दूध बॉयलिंग स्टेज पे आ जाएगा तब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से मीठा डाल सकते हैं, मगर ये मैंने जो इसमें हाफ कप चीनी ऐड की है उसमें परफेक्ट मीठा हो जाएगा। ये सेवई खीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे गरम गरम भी खा सकते हैं और आप इसे ठंडा करके भी खा सकते हैं। सेवैयाँ हमारी एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी, तब तक हम इसे अच्छे से पका लेना है। अब हमने जो दूध थोड़ा सा बचा के रखा था ना, इसमें हमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देना है। मैं इसमें 3 चम्मच के करीब कस्टर्ड पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब सेवैयाँ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी तब ये कस्टर्ड वाला जो दूध है ये इसमें हमें ऐड कर देना है। सेवैयाँ सॉफ्ट हो चुकी हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड वाला दूध। एक हाथ से हमें इसे चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये दूध, कस्टर्ड वाला दूध जब हम ऐड करेंगे ना तो हमें फ्लेम को थोड़ा लो पे ही रखना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्की सी हम इसमें केसर भी ऐड कर देंगे। एक से 2 मिनट हम इसे बॉईल कर लेंगे, उसके बाद हमें फ्लेम को ऑफ कर देनी है। हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, धीरे धीरे इसकी थिकनेस गाढ़ी हो जाएगी। देखिए इस प्रकार से अब हम इसे सर्व कर लेंगे। सेवई कस्टर्ड खीर तैयार है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। मैंने एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है, इस प्रकार से हमें निकाल लेना है। अब हम इसमें अपने पसंद के सभी फ्रूट्स ऐड करेंगे। फ्रूट्स आपको जो पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें मैंगो ऐड कर रही हूँ, आप इसमें मैंगो, पोमीग्रेनेट, एप्पल, चेरी, अपने पसंद से सभी फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब जाएंगी थोड़ी एप्पल, उसके साथ हल्की सी हम डालेंगे इसमें टूटी फूटी और ये हमारी सेवई कस्टर्ड खीर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और
टेस्टी, देखने में भी बहुत ही सुंदर, बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों।